तो कैसे आप सब? बहुत लंबे गैप के बाद में हम ऐसे वर्चुअली एनकाउंटर कर पा रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं कॉलेज इशू या फिर कॉलेज में होने वाले इवेंट के वजह से या फिर पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। तो एनीवेज, आज का मुद्दा ये नहीं है अपना। तो मुझे करने थे कुछ प्रैक्टिकल्स एंड मिनी प्रोजेक्ट। अब प्रैक्टिकल तो रिटर्न वर्क हर कोई कर रहा है, तो हमने चूज किया मिनी प्रोजेक्ट। अब मिनी प्रोजेक्ट में क्या है कि हम ही लोगों को कंपोनेंट्स लेना है, सर्किट डिजाइन करना है एंड टेस्टिंग भी खुद ही करना है, प्रोवाइड दैट इन अ ग्रुप। तो उसकी भी वीडियो देना है, पर मजे की बात यह है कि हमको शूट करके देना है, हमको स्क्रिप्ट करके देना है, हमको समझा के देना है। तो उसके लिए तो मैं अपने दोस्तों को बुला चुका हूँ अपने घर, तो वो लोग आएंगे, उनके आते तक अपन कुछ जो असाइनमेंट है वो निपटा देते हैं। हाँ, मतलब सबमिशन डेट भी बहुत पास है एंड बहुत सारे हैं, बट भैया वेलकम टू इंजीनियरिंग, यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। इसी के साथ एक प्रैक्टिकल मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। थोड़ा खाना वाना खा लेते, फिर फ्रेंड्स की राह देखना है मुझे। तो खाना वाना भी हो गया है, मस्त था, पेट भर के खा लिया। अब बारी मिनी प्रोजेक्ट की। अब मिनी प्रोजेक्ट भी हमारा जो है, हमने फर्स्ट टाइम इसको रन करके देखा था, मतलब कि जो कनेक्शन थे वो हमने लगा के देखे, बट फिर भी हमारा एलईडी जो है ग्लो नहीं हो रहा था। तो बट उसका इशू ये था कि शायद बैटरी इसकी ड्रेन आउट थी। फिर सेकंड बारी हमने इसको ट्राई किया विद द न्यू फ्रेश बैटरी एंड न्यू फ्रेश एलईडी, तो एकदम वर्क हो गया एकदम। बट क्योंकि हमें वीडियो भी बनाना था, तो हमको वापस से वो सब चीज़ें रिपीट करना पड़ेगा विद स्क्रिप्टिंग। तो फ्रेंड्स लोग भी आ चुके हैं, मैं अभी आपको दिखाता, सब प्रोजेक्ट का काम करेंगे और जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो वीडियो के एंड में आपको जरूर देखने मिलेगा। हमको सीडी के लिए चाहिए था एक कैमरा मैन, बट हमसे कुछ अरेंज नहीं हो रहा, तो मैंने किसी को बुलाया। अरे फिलहाल सभी वर्क कर रहे इस साइड, वीडी इस साइड विशाल, बट वो वेब सीरीज में बिजी है बंदा। और शुभलक एज यूजुअल काम से आया। हाँ, योगदान दे रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल विशाल की स्क्रिप्ट है, यहाँ याद हो रही है। विधि का पार्ट हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, शुभलक। हाँ, तो फिलहाल का सीन ऐसा है कि सब चीज़ें रेडी हो चुकी है, हमारी स्क्रिप्टिंग रेडी हो चुकी है, हमारी सर्किट रेडी हो चुकी है, और एज यूजुअल शुभलक भी आ चुका है फॉर कैमरा कैमरा संभालने के लिए। तो अब क्या करते ना, थोड़े से आप बिहाइंड द सीन एंजॉय करो और फिर फाइनल आउटपुट तो एज यूजुअल लास्ट में देखने मिलेगा ही, तो स्टे ट्यून्ड। तुम मजे कर रहे हो क्या? स्टार्ट करूं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल कुसराम, अलोंग विद मी माय टीममेट्स विधि पुंडे, विशाल नेवारे एंड यश नागपुरे, गैदर्ड हियर टू परफॉर्म अवर सीडी प्रैक्टिकल। एंड द टॉपिक ऑफ अवर सीडी प्रैक्टिकल इज एम्पलीफायर सीन्स। अब सीधा फाइनल आउटपुट देखो, 3 2 1। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल कुसराम, अलोंग विद मी माय टीममेट्स विधि पुंडे, विशाल नेवारे एंड यश नागपुरे, वी ऑल गैदर्ड हियर टू परफॉर्म अवर सीडी प्रैक्टिकल दैट इज ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर ब्रेडबोर्ड, 5 रेजिस्टर्स ऑफ 100 किलो ओम एंड 1 रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, कनेक्टिंग वायर्स, अ ट्रांजिस्टर, बल्ब ऑफ 2 वोल्ट, connecting wires and battery. So what is transistor? So transistor is a semiconductor device which work as a switch or as an amplifier. This is how the transistor look like. It has three terminals, emitter, base and collector. Now
amplifier means. If there is any weak signal, then transistor will automatically amplify it. While performing this experiment, that is transistor as amplifier, we need to keep some things in our mind. Let us consider a scenario. If we supply 1 volt of current through a battery and expect 5 volt or double voltage through a resistor, that is double amplified signal, but this is not possible in the transistor. Transistor has 3 terminals, base, collector and emitter. Load is connected at collector terminal of transistor. Here load is LED. Here emitter is grounded. This complete right side of transistor, like collector and emitter. Base terminal of transistor exists on the left side of the circuit. Between base and emitter, terminal battery connection is also provided. These batteries actually provides transistor a biasing, and that biasing is forward biasing. In forward biasing, transistor conducts. If the terminals are inverted or batteries are connected with the opposite polarities, the transistor will not be able to conduct. Hence, it will not amplify the signals. Now we will check at what point it will give the maximum intensity of a light, also a point where intensity is low. At the last point, we are getting a very high intensity of the bulb glowing. As we go closer, the intensity of light is decreasing, and at the last point, it is very negligible. तो आपको कैसा लगा ये हमारा प्रोजेक्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और बाकी तो आप समझदार है आपको पता है करना है क्या डू इट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट सब्सक्राइबर बढ़ाओ प्यार बरसाओ बाकी तो फिर आपको पता ही है।